सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल की एक एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक मीटिंग यहाँ पे फिक्स हुई है, जिसमें दो मुद्दे हैं। एक तो मिलना, पीरियोडिक मीटिंग है। दूसरा, हमारे हाल ही में रिटायर्ड एडिशनल डीजी श्री एनएस जम्वाल, उन्होंने भी आज एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। वो भी अपना योगदान देते रहेंगे आगे आने वाले समय में। और मैंने पहले भी, जब एक साल पहले यहाँ पर ये एसोसिएशन ज्वाइन की थी, तो मैंने यही पहले भी कहा था, हमारी एसोसिएशन टोटली अपोलिटिकल है। ये भारत सरकार के सेवानिवृत्त एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल हैं और गवर्नमेंट के लॉयल रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पास्ट में और आगे भी रहेगा। तो इनका एक मार्गदर्शन करना हमारा काम होगा। तो जितने भी लोग सीनियर ऑफिसर भी रिटायर होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और सीनियर ऑफिसरों का एक ही काम होगा कि इनके वेलफेयर के बारे में सोचें और इनका मार्गदर्शन करते रहें, ताकि ये हेल एंड हार्टी भी रहें और कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखें। थैंक यू। आपका क्या कुछ कहना है सर? नहीं, बिल्कुल, जैसे शर्मा साहब ने बताया है कि हमारे पास में दो बड़े हैं। एक तो ये है कि जो हमारे सारे रिटायर्ड लोग हैं, इनकी जो आपस की समस्याएं हैं, हम सब मिलके कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार करेंगे, उसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा ये है कि ये सारे के सारे ट्रेंड पर्सनल हैं, लॉयल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया है, भारत की सुरक्षा के लिए काम किया है और आज भी करने को तैयार है। तो भारत सरकार चाहे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको किस प्रकार से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सोच विचार करके हम गवर्नमेंट को एक सामने के समक्ष रखेंगे कि इनकी सेवाएं जहां जहां भी ज़रूरत पड़े तो उनकी ली जा सकती है। हम अभी भी काम करने के लिए तैयार हैं, भारत सरकार की सुरक्षा के लिए कभी भी तैयार हैं। आपकी तरफ से पूरा योगदान जो है वो दिया जाएगा? बिल्कुल, पूरा योगदान दिया जाएगा। ये तो सबके सब ड्यूटी अन टू डेथ वाले रिटायर्ड आदमी हैं, एक बड़े लॉयल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके ऊपर की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनको आप भारत की सुरक्षा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।